आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। और नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक खास प्रोग्राम। और आज इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे उस गॉसिप के बारे में जो इन दिनों बी टाउन में चल रही है। वैसे बी टाउन की बात करें तो इस समय प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जो सगाई है भाई, ये टॉप ऑफ द न्यूज़ बनी है। हर जगह बस निक और प्रियंका की बातें चल रही हैं। तो ऐसे में आप सभी को बता दें कि प्रियंका से जुड़ी कई सारी खबरें सामने आ रही हैं और एक ऐसी खबर उनसे जुड़ी सामने आई है जो इन दिनों गॉसिप का बाजार में काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो दरअसल मामला कुछ इस तरह से है, वो है डायरेक्टर मधुर भंडारकर को लेकर। भाई मधुर भंडारकर को लेकर प्रियंका से क्या कनेक्शन है वो हम आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए बताएंगे ज़रूर कि आखिरकार क्या वजह है कि दोनों को लेकर बातें शेयर हो रही हैं। लेकिन याद दिला दे कि प्रियंका चोपड़ा ने दिया था एक हिट मूवी मधुर भंडारकर के साथ फिल्म फैशन में, जहां उन्हें बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस के अवार्ड से भी नवाजा गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, मधुर और प्रियंका में दूरियां आ गई। जी हां, फिर उसके बाद में प्रियंका ने मधुर की कोई फिल्म नहीं की या मधुर ने प्रियंका को ऑफर नहीं की। और आज ऐसा क्या मामला है कि दोनों के बीच चल रही है तकरार, ये सारी बातें बताएंगे रिपोर्ट के जरिए। फैशन की दुनिया की चमक धमक के पीछे छुपी काली सच्चाई को दिखाती 2008 में आई प्रियंका चोपड़ा स्टार और फिल्म फैशन हर किसी को याद होगी। जी हाँ, ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म ने न केवल उस समय बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की बल्कि क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को खूब पसंद किया। जी हाँ, इस फिल्म के जरिए हर किसी को वाहवाही मिली, फिर चाहे वो इस टीम की स्टार कास्ट क्यों ना हो या फिर फिल्म का डायरेक्टर क्यों ना हो या फिल्म से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, लगभग हर एक व्यक्ति को इस फिल्म के लिए पसंद किया गया। और बात करें तो ये फिल्म क्रिटिक्स के लिए तो बस छा गई थी। क्रिटिक्स इस फिल्म की बहुत तारीफें कर रहे थे उस समय की, और कह सकते हैं उस साल की सबसे ज़्यादा हिट फिल्म थी फैशन। बता दें कि यही नहीं, जहाँ एक तरफ इस फिल्म को खूब पसंद किया जा रहा था तो दूसरी तरफ फिल्म में अपने दमदार एक्टिंग के लिए प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनावत को बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला। फिल्म को अपार सफलता मिल रही थी। जी हाँ, लगातार बार बार इस फिल्म से जुड़ी चर्चाएं हो रही थी। लेकिन आप सभी को बता दें कि निर्देशक मधुर भंडारकर की तारीफ तो बहुत हुई, हर तरफ चारों तरफ बस मधुर मधुर की तारीफ हो रही थी। एज अ डायरेक्टर उनके काम को काफ़ी पसंद किया गया और बताया गया कि मधुर के करियर में ये उनकी बेस्ट फिल्मों के तौर पर गिना जाता है। लेकिन जब बात फिल्मों की आई तो आप बात करें तो यहाँ हर तरफ मधुर खुद भी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका चोपड़ा की तारीफें करते नहीं थक रहे थे। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा की हर जगह मधुर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग तारीफ कर रहे थे कि प्रियंका ने काफ़ी ज़्यादा उन्हें सपोर्ट किया, प्रियंका की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी, प्रियंका की वजह से इस फिल्म को एक नई दिशा मिली। जहां एक तरफ ये प्रियंका चोपड़ा की तारीफें कर रहे थे तो दूसरी तरफ कंगना रनावत की भी खूब तारीफ हुई। लेकिन यहाँ पर मधुर भंडारकर प्रियंका चोपड़ा की तारीफें करते नहीं थक रहे थे। लेकिन इसके साथ ही साथ आप सभी को बता दें, जहाँ दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे तो वहीं प्रियंका चोपड़ा और मधुर भंडारकर ने दोनों ने साथ मिलकर एक और फिल्म करने का फैसला लिया। जी हाँ, फैसला लिया कि मधुर और प्रियंका दोनों साथ में एक और फिल्म करेंगे। लेकिन आपको बता दें इन सबके बीच कि जिसके लिए प्रियंका ने हामी भी भर दी थी फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए। बात करें अगर फिल्म फैशन की तो फैशन की अपार सफलता के बाद हर कोई, हर बड़ा सितारा मधुर के साथ फिल्म करने को बेकरार हो रहा था। जी हाँ, हर कोई मधुर भंडारकर के साथ फिल्म करना चाहता था। मधुर भंडारकर ये तारीफ पचा नहीं पाए और प्रियंका को किनारे करते हुए वो बड़े सितारों को तवज्जो देने लगे। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ पर जहाँ प्रियंका को इस फिल्म से काफ़ी सफलताएं तो मिली थी, लेकिन साथ ही साथ मधुर भंडारकर की भी तारीफें जी तोड़ हो रही थी। लेकिन कहा यह जा रहा था कि भाई मधुर
जो कि इन तारीफों को पचा नहीं पा रहे हैं। आप सभी को बता दें कि प्रियंका को किनारे करते हुए वहां पर मधु भंडारकर बड़े सितारों को तवज्जो देने लगे। जी हाँ, वो बड़े सितारों की तरफ ज्यादा जाने लगे। आप सभी को बता दें कि इसके बाद फिर करीना के साथ आई उनकी फिल्म हीरोइन, जो कि हर किसी को पता है इस फिल्म के बारे में। मधुर भंडारकर को लगा कि फैशन की तरह ये फिल्म भी लोगों को पसंद आएगी और वो डायरेक्टर से लेजेंडरी डायरेक्टर बन जाएंगे, मगर हकीकत से सब कुछ उल्टा हुआ। जी हाँ, जैसा मधुर ने सोचा था उससे पूरा उलट हो गया। दरअसल फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हुई। इसके बाद उनकी फिल्में जेल, दिल तो बच्चा है जी, कैलेंडर गर्ल्स, इंदू सरकार फिल्में आई और बैक टू बैक मधुर भंडारकर की लगभग सारी ही फिल्में फ्लॉप हो रही थी। जहां हीरोइन को लेकर मधुर भंडारकर को काफ़ी उम्मीदें थी कि इस फिल्म में इनको काफ़ी ज़्यादा सराहना मिलेगी। फिल्म फैशन की तरह हीरोइन भी एक ब्लॉकबस्टर साबित होगी और सबसे बड़ी बात, जब उसमें बड़ा नाम यानी कि करीना कपूर जैसा चेहरा होगा। लेकिन आप सभी को बता दें कि यहाँ पर मधुर भंडारकर जो कि काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उनका करियर फ्लॉप रहा। वेल, उन्हें लगता था कि उनके साथ हर कोई कलाकार काम करने को तैयार हो जाएगा। जी हाँ, मधुर भंडारकर एक टाइम पर ये भी सोचने लगे थे, लेकिन कहते हैं कि समय का चक्र घूमता जरूर है। कभी प्रियंका को साइडलाइन करने वाले मधुर भंडारकर ये नहीं जानते थे कि हिंदी सिनेमा के तमाम सितारे इन दिनों सीधे बहुत बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन रखते हैं, फिर वो राजनेता का कनेक्शन ही क्यों ना हो। ये बात तो मधुर भंडारकर को लग रहा है अब समझ में आ रही है, जब वो प्रियंका चोपड़ा से मिलने की कोशिशों में लगे हैं। जी हाँ, खबरें कुछ इस तरह से हैं कि मधुर प्रियंका के मिलने की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन प्रियंका आज तक फैशन के बाद अपने साथ हुए बर्ताव को भुला नहीं सकी है। अब मधुर भंडारकर प्रियंका चोपड़ा को बार बार मैसेज करते हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो प्रियंका ने मधुर को दो बार मिलने का टाइम भी दिया। जब मधुर उनके दरवाजे तक पहुंचे तो उन्हें ये कहकर बेरंग लौटा दिया गया कि भाई प्रियंका मैडम अभी बिजी हैं। मधुर ने प्रियंका के गेट पर घंटों अपनी कार में बैठकर इंतजार भी किया, लेकिन प्रियंका ने अब उनके मैसेजेस का जवाब तक देना बंद कर दिया है। वल तो देखा आप सभी ने कि किस तरह से प्रियंका के दरवाजे से मधुर भंडारकर को लौटना पड़ रहा है। तो ऐसे में अब लग रहा है कि भाई मधुर भंडारकर प्रियंका से मिलना चाहते हैं, शायद अपनी फिल्म ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल प्रियंका उनको डेट्स नहीं दे पा रही, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्होंने मधुर भंडारकर से बात करना ही बंद कर दिया है। जी हाँ, यकीनन स्टार्स सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो उन्हें लेकर तमाम तरह की खबरें आती रहती हैं, डायरेक्टर एक्टर के कोल्ड वॉर की खबरें सामने आती रहती है। तो ऐसे में एक प्रियंका और मधुर भंडारकर को लेकर भी खबरें सामने आ रही है। वैसे मधुर भंडारकर की बात की जाए तो रियलिस्टिक बेस्ड मूवी बनाने पे ज़्यादा जाने जाते हैं, फिर चाहे वो फिल्म फैशन हो, जेल हो, हीरोइन हो, ऐसी तमाम मूवी है जिसके लिए मधुर भंडारकर की एक अलग पहचान बनी है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि मधुर भंडारकर और प्रियंका चोपड़ा की ये तकरार आगे चलती रहेगी या इस तकरार का दी एंड होगा। जी हाँ, क्योंकि अब प्रियंका और मधुर भंडारकर को लेकर ये बात भाई आ चुकी है अब तो सामने कि नहीं हो रही है आपस में दोनों की बात और दोनों में चल रही है तकरार, कोल्ड वॉर। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने बात की प्रियंका चोपड़ा और मधुर भंडारकर के बारे में। कल फिर लेकर आऊंगी एक ऐसा ही खास शो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।